हेलो फ्रेंड्स, आज आपका नए वीडियो में आज के वीडियो में बात करने वाले हैं ऑटो सिस्टो रिसीवर के बारे में, जैसे कि मैं सेटिंग को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं इसके बारे में बात करने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये ओप्पो का फ़ोन है और आपको सबसे पहले सेटिंग पर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, थोड़ा सा ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं सिस्टम सेटिंग पे जाना है और आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं सारे ऑप्शन पर जाएंगे और आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ऑटो स्विच टू रिसीवर। तो राइट साइड से ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद आपका ऑन हो जाएगा और यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ऑटोमेटिकली स्विच टू द रिसीव व्हेन योर लेफ्ट ईयर फोन टू योर ईयर, यानी कि आपके लेफ्ट ईयर पर आपका फ़ोन होगा तो आप ऑटोमेटिकली उसको रिसीव कर पाएंगे। इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ऑफ करना चाहते हैं ऑफ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो एक और तरीका है, उसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले आपको सेटिंग पर जाएंगे और आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना है, जैसे कि आप देख सकते हैं सर्च वाले ऑप्शन पे जाएंगे और आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है। क्या सर्च करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं ऑटो स्विच टू रिसीवर, तो यहाँ पर जो हो जाएगा शो होने वाला, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ऑन करेंगे और यूज़ कर सकते हैं। ऑफ करना चाहते हैं ऑफ कर सकते हैं। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।